Welcome back to our e-classes. This is our computer class. And what we are doing? We are doing chapter number 3. Now today is part 3. Ma'am ne already aapko ye lesson explain kiya hai in part 1 or 2 mein. Aaj hum exercise karenge part 3 mein. Now this is question number 3. Put right against correct and wrong against wrong statement. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं वो राइट है या रॉन्ग ये हमें देखना है. नंबर वन, द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर इज सी ऑन द कीबोर्ड. जो आउटपुट आता है वो कहाँ कीबोर्ड पे दिखता है? नो, मॉनिटर में दिखता है. तो दिस इज रॉन्ग, ये बॉक्स में आप रॉन्ग लिखेंगे. सेकंड, द माउस इज शोन विद एन एरो ऑन द कंप्यूटर. माउस ये एरो जो है वो किधर से हमें मालूम पड़ता है? माउस से. सो दिस इज राइट, पुट राइट टिक. थर्ड, अ सीपीयू वर्क्स लाइक अ ह्यूमन ब्रेन. सीपीयू इज अ ह्यूमन ब्रेन, राइट. सो पुट टिक राइट. फोर्थ इज देयर आर टू मेन पार्ट्स इन अ कंप्यूटर. आपको मैम ने क्या बताया मेन पार्ट्स कितने हैं? फोर है. यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर टू मेन पार्ट्स इन अ कंप्यूटर. तो ये क्या है? रॉन्ग. अब हम यहाँ पे रॉन्ग करेंगे. अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. दिस इज राइट और रॉन्ग? तो सही बात है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर. सो वी विल पुट राइट. नाउ नंबर सिक्स, द कीबोर्ड शुड बी क्लीन विद वॉटर. ये सही है, हमें वॉटर से लैपटॉप या कंप्यूटर का कीबोर्ड क्लीन करना चाहिए? नो. सो पुट हियर रॉन्ग. ओके, अ पेन ड्राइव इज यूज्ड टू स्टोर डेटा. पेन ड्राइव यूज करते हैं डेटा स्टोर करने के लिए? यस. तो ये है राइट, यहाँ पे हम राइट चेक करेंगे. ओके, नंबर एट, अ कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू मॉनिटर. कीबोर्ड किससे कनेक्ट होता है? मॉनिटर से कनेक्ट होता है? नहीं. तो ये है रॉन्ग. ओके, अ माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. माउस का दूसरा नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस. दिस इज राइट, पुट राइट टिक हियर. नाउ टेन, द डिवाइस दैट प्रोसेस द डेटा इज नोन एज स्टोरेज डिवाइस. इज दिस राइट? नो, रॉन्ग. सो पुट रॉन्ग हियर. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर फोर, मैच ए विद बी. अब इसमें क्या है, ए में टीचर्स बने हुए हैं, बी में इनके नेम्स लिखे. हमको करेक्ट नेम बॉक्स में डालना है, जो आंसर है इसके अंदर हमें करेक्ट आंसर लिखना है. नाउ यू कैन सी हियर मॉनिटर माउस कीबोर्ड एंड सीपीयू. यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू कीबोर्ड माउस मॉनिटर. तो हमें सही आंसर लिखना है. नाउ व्हाट इज दिस चिल्ड्रन, आपको पता है ये क्या है? मॉनिटर. तो हम यहाँ लिखेंगे स्पेलिंग मॉनिटर की, एम ओ एन आई टी ओ आर. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? यस, माउस. तो अब हम यहाँ पे माउस की स्पेलिंग लिखेंगे, एम ओ यू एस ई. ओके, ये रहा माउस, ये इसकी स्पेलिंग यहाँ लिखेंगे. नाउ व्हाट इज दिस? कीबोर्ड. तो अब हम यहाँ पे कीबोर्ड की स्पेलिंग लिखेंगे, के ई वाई बी ओ ए आर डी, कीबोर्ड. दिस इज द स्पेलिंग ऑफ कीबोर्ड. ओके, नाउ द लास्ट वन इज सीपीयू. तो यहाँ पे क्या आएगा? सीपीयू. ओके, सीपीयू. नाउ क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, राइट द नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स इन अ कंप्यूटर. ये अभी हमारे क्वेश्चन आंसर से, इसमें क्या है? राइट द नेम्स ऑफ मेन पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर. मेन पार्ट्स कितने हैं? फोर. तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे, नंबर वन माउस, नंबर टू कीबोर्ड, नंबर थ्री सीपीयू, नंबर फोर मॉनिटर. और ये सब की स्पेलिंग आपको मैम ने अभी सिखाई है, एम ओ यू एस ई माउस, के ई वाई बी ओ ए आर डी कीबोर्ड, सी पी यू एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज अ मॉनिटर. मॉनिटर क्या है? इसका आंसर क्या है? द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. द मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस. द मैन मॉनिटर है, द और मॉनिटर की स्पेलिंग है इज एन, ए एन एन आउटपुट, ओ यू टी पी यू टी आउटपुट डिवाइस, डी ई वी आई सी ई. ये क्या है?
output device is. Now what is the full form of CPU? Full form of CPU. CPU ka full form kya hai? That is Central Processing Unit. Okay? Central ki kya spelling hai? CENTRAL. Central Processing. PROCESSING. Unit. UNIT. So, Central Processing Unit. Okay. Now, what is the use of a keyboard? Keyboard ka kya use hai? The keyboard is used to enter data into a computer. To enter data into a computer. The keyboard is spelling likhni fit is used. 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 TO. To enter. 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 DATA. Data. INTO. Into a computer. फिर computer की spelling लिखेंगे. Okay. Now the next question is question number 6. Answer the following in one word. Answer the following in word, one word or who am I? दोनों का meaning same है. Okay. Now first, I am like a TV. TV की तरह कौन दिख रहा है? Correct. Monitor. तो हम क्या answer लिखेंगे? Monitor. I work like a human brain. आपको पता है अभी lesson पढ़ा ना अच्छे से. तो human brain की तरह कौन work करता है? CPU. तो हम यहाँ लिखेंगे CPU. I am used to enter data in computer. तो इसमें data enter कौन कराता है? Keyboard. तो answer क्या है? Keyboard. Moving B moves the arrow on the monitor screen. जब क्या मूव करते हैं हम तब उसका एरो मूव होता है. That is mouse. Mouse को हम मूव करेंगे तो एरो भी मॉनिटर के ऊपर मूव होता है. Number 5. I process the given data. कौन प्रोसेस करता है given data? Correct. CPU. I store data in computer. अभी मैम ने आपको बताया था ना स्टोर कौन करता है? That is storage device. जो storage device है उसमें ये कंप्यूटर के डेटा स्टोर होते हैं. ओके. स्टोरेज डिवाइस की स्पेलिंग है एस टी ओ आर ए जी ई. स्टोरेज डी ई वी आई सी ई डिवाइस. ओके. आई मस्ट बी यूज्ड ऑन फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस में क्या यूज करना चाहिए? माउस को. ओके चिल्ड्रन थैंक यू.